आज का जो वीडियो है वो इस कमेंट पर बेस्ड है। तो इसमें निषाद भाई जो है उसने बोला कि जरा गैलन पर बनाओ, तो मैंने बना दिया है और ये रहा वो। तो ये है अपना गैलन मास्टर, इसमें देख लीजिए आप, यहाँ पर अटैक है 75, डिफेंस है 71, लेकिन शैडो अटैक नहीं है, मतलब इनके पास कुछ शैडो एबिलिटी नहीं होगा। अपना जो मास्टर जी हैं गुरु जी, उनका जो रेयरिटी है कॉमन होगा, फिर डिफ़िकल्टी नॉर्मल, और फैक्शन देखने से पता चल रहा है डायनेस्टिक ही होगा। स्टाफ है हाथ में, तो वेपन होगा स्टाफ, और जो वेपन है उसका हैवी अटैक होगा स्काई फ्लाई मूव जो SF3 का था, और स्पेशल मूव लिखा हुआ है कि जो मंकी किंग वाला है वो वाला, लेकिन नहीं वो नहीं होगा, शायद नहीं हुआ है, चलो होप करते हैं आ जाए। फिर रेंज अटैक रहेगा सोलर बॉम्ब्स, मतलब जैसे होंगजू की तरह, और फिर जो स्पेशल किक है वो फ्लोर वर्क, और देखने से पता चल रहा है यार यहाँ पर जो शैडो मूव्स हैं तो शैडो एबिलिटीज कुछ नहीं होगा, शैडो फॉर्म इनके पास नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट में है मासल गुरु, इसमें है कि जो अपना गैलन मास्टर है वो क्या करेगा कि वही कॉम्बो वाला है, तो वो जब 3 कॉम्बो हिट परफॉर्म कर देगा, मतलब पहला किया दूसरा किया, जब तीसरा मार दिया अपोनेंट को, तो उसका अब उसके बाद से जितना भी उसका डैमेज होगा हर एक के लिए उसको एक्स्ट्रा हिट मिलेगा, मतलब एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा। और अगर वो कभी मान लीजिए कि उसको एक अनब्लॉक्ड अटैक बीच में मिल गया तो वो इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, या फिर अगर वो 3 सेकेंड तक अपोनेंट को हिट नहीं किया कॉम्बो बनाने के बाद तो फिर वो इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड में आता है एडलर गार्डियन, यहाँ पर है कि जब वो अपोनेंट से डैमेज लेगा, ठीक है, तो एक शील्ड फॉर्म करते रहेगा, और जैसे ही अपोनेंट शैडो फॉर्म में एंटर करेगा तो वो शील्ड बाहर आ जाएगा, और वो अब डायरेक्ट डैमेज नहीं लेगा, वो जो शील्ड है ना उस पर डैमेज लेगा, मतलब कि जैसे सैंक का था ना वैसे ही सैंक शैडो फॉर्म में एंटर कर जाता है तो एक शील्ड हो जाता है जिससे वो डैमेज अब्जॉर्ब करता है, ये भी वैसे ही करेगा। और ये अगर मान लीजिए कि अपना गैलन है डैमेज नहीं लिया, तो जैसे ही अपोनेंट शैडो फॉर्म से बाहर निकल जाएगा तो ये वाला जो शील्ड है वो गायब हो ही जाएगा, डैमेज ले चाहे ना ले ये ज़रूरी है। अब चलिए टैलेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले Level 2 पर देख लेते हैं, यहाँ पर है ओल्ड बट गोल्ड, ठीक है, तो इसमें है कि जो अपना गैलन बाबू है वो रिसीव कर रहा था ना प्रोटेक्शन चार्ज, जमा कर रहा था प्रोटेक्शन को, तो जब वो अब पहले जमा कर रहा था तो कम कर रहा होगा, हम मुझे नहीं पता है, तो अब वो जमा करेगा तो ज़्यादा जमा करेगा अनब्लॉक्ड अटैक से। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में एलिट वॉरियर, यहाँ पर है कि जो उसका यूनिक एबिलिटी था मासल गुरु, यहाँ पर जब वो यूज़ करता था तो डैमेज ज़्यादा था एक्स्ट्रा डैमेज, तो अब और एक्स्ट्रा देगा। Level 4 पर अब तो फिर यहाँ पर है रेट्रीब्यूशन फर्स्ट में, इसमें है कि जो अपना गैलन बाबू है वो जब अपोनेंट का शैडो एनर्जी बार फुल रहेगा तो ये ज़्यादा डैमेज अपोनेंट को देगा। अब ऑप्शन में है पॉइजनस बॉम्ब, इसमें है कि जो उसका रेंज अटैक था ना सोलर बॉम्ब, तो जब वो फेंकेगा गैलन और वो फट जाएगा, तो फटेगा तो एक बादल बना देगा और वो बादल से अपोनेंट को ओवर टाइम डैमेज होगा। अब Level 6 पर, यहाँ पर है वैलर ऑफ द डायनेस्टियन, ऑफ द नहीं है पर ऑफ द लगा सकते हैं, तो इसमें है कि जो अपना गैलन का था ना इलर गार्डियन, तो इस स्टेट में वो क्या कर रहेगा कि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट से बचा रहेगा, ये अपना बिल्कुल जेट की तरह सेम है। अगर 8 पर देखें तो ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर है स्काई फ्लाई, यहाँ पर है कि जो गैलन का हैवी अटैक है ना वो अपोनेंट को कुछ देर के लिए स्टन कर देगा, तो इसमें छोटा सा ब्रैकेट में है कि जो उसका हैवी अटैक है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। Level 8 पर, यहाँ पर फर्स्ट में मास्टर गार्डियन, यहाँ पर होगा कि जो अपना गैलन है तो उसका जो प्रोटेक्शन है जब अपोनेंट शैडो फॉर्म से बाहर निकल जाएगा और फिर भी उसके पास प्रोटेक्शन बचा रहेगा, मतलब गैलन के पास, तो बचा हुआ प्रोटेक्शन बदल जाएगा हेल्थ में। फिर ऑप्शन में है लास्ट स्टैंड, यहाँ पर होगा कि जो अपना गैलन फेटल डैमेज ले लेगा तो फिर एक हेल्थ पॉइंट रिटेन कर लेगा, प्लस उसका जो एल्डर गार्डियन है तो वो क्या करेगा कि फुल प्रोटेक्शन के साथ उसके पास आ जाएगा। अब टाइम आ गया है टाटा बाय बाय करने का, पहले ये दोनों टैलेंट को देख लेते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय होगा। ये 10 लेवल का है, यहाँ पर फर्स्ट में है इनर फोर्स, यहाँ पर है कि जो अपना मासल गुरु एबिलिटी था जब एक्टिवेट होगा उसके बाद से गैलन का हर एक अटैक लाइफ को रिस्टोर करेगा। अब ऑप्शन में टेनेसिस ओल्डमैन, यहाँ पर है कि जो अपना इनर गार्डियन था उसका जो प्रोटेक्शन से वो डैमेज एब्जॉर्ब करता था तो अब वो ज़्यादा डैमेज एब्जॉर्ब करेगा। बाय बाय, बट अभी वीडियो बंद नहीं करना,
एक सरप्राइज है, थोड़ा सा देख के जाओ।